नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं कोटा से आसिफ खान। आज हम मौजूद हैं कोटा की भामाशाह सबसे बड़ी अनाज मंडी में और हमारे साथ व्यापारी मनीष गुप्ता जी जुड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं जो गेहूं की जो आवक हो रही है, कितनी आवक हो रही है और क्या जो है दाम चल रहे हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। जी सर, बताइए अभी क्या गेहूं की आवक कितनी हो रही है? सर, गेहूं की आवक कंटिन्यू बनी हुई है। अभी कंबाइन वगैरह जो खेतों में चल रही है, इससे गेहूं फास्ट आ रहा है मंडी में। कल मंडी में 2.5 लाख कट्टे की आवक थी, आज एक्चुअली माल नहीं उठ पाया, इसलिए ओनली 1.25 लाख कट्टे माल अंदर लिया गया है। और गेहूं के बाजार में मिल क्वालिटी बिक रही है 2250 से 2260-70-80 रुपये तक। एवरेज माल बिक रहे हैं 2300 से 2350 रुपये और ऊपर में सिलेक्टेड माल 2600 रुपये तक। और आने वाले दिनों में अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि गेहूँ की आवक कंटिन्यू बढ़ेगी, क्योंकि गेहूँ की फसल पक के तैयार हो चुकी है। किसान इसको डायरेक्टली कटा के डायरेक्ट मंडी में लाना प्रेफर कर रहा है। और जैसा कि आपको पता है, एमएसपी प्राइस जो सरकार की एफसीआई की, वो 2400 रुपये है, लेकिन मंडी में लगभग उसी प्राइस में माल बिक रहा है, क्योंकि जो मिल क्वालिटी माल है वो मॉइस्चर की वजह से कम भाव बिकेगा और उसको सरकार भी उसको गीले माल को नहीं तुलाएगी। आने वाले दिनों में यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गेहूँ के बाजार मंडियों में इससे ज़्यादा कम नहीं होंगे। जी, कुछ बढ़ने के चांसेस आगे भाव बढ़ने के चांसेस डिपेंड करेंगे सरकार की पॉलिसी पर, क्योंकि सरकार ने अभी 500 टन की स्टॉक लिमिट लगा रखी है व्यापारियों के ऊपर। अगर उसको सरकार इंक्रीज करती है तो आने वाले दिनों में गेहूं के दाम बढ़ सकते हैं। जो सरकार ने आदेश निकाल के जो स्टॉक पर जो रोक लगाई है, इससे मतलब क्या नुकसान है? इससे नुकसान यह है सर, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं रोपर ही लेता हूँ। सर, सपोज सरकार ने कैपेसिटी लगाई है 500 कुंटल की, मेरी कैपेसिटी 2000 कुंटल की है, लेकिन सरकार की लिमिट की डर से मैं सिर्फ 500 कुंटल ही स्टॉक करूँगा। सपोज़ आज के भाव 2300-2350 रुपये के हैं, मैंने इसमें स्टॉक कर लिया। सपोज़ कल भाव 2275 रह जाते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी या कम भाव पे माल अगर मिल रहा है तो मैं लूँ, लेकिन मैं स्टॉक लिमिट के चक्कर में माल नहीं ले पाऊँगा। इसी वजह से बाजार टूटते हैं। तो जिनका आप जैसा आप जानते हैं, सपोज़ आपकी कैपेसिटी 500 टन की है, तो आप 500 टन लेके आप साइड में हो जाएंगे। इसलिए अगर सरकार ने स्टॉक लिमिट हटा देती है सरकार अगर, तो आने वाले दिनों में आपको गेहूं के बाजार और बढ़ते दिख सकते हैं। ये रोक से जो है किसानों को भी नुकसान है? किसानों को नुकसान तो इसे, बट सरकार ये चाहती है, सरकार के पास बफर स्टॉक लास्ट 16 ईयर्स से कम है, सबसे कम है आज की तारीख में। तो सरकार ये चाहती है मैक्सिमम गेहूँ सरकार तुलाए और ये सरकार के पास स्टोर हो, इस वजह से सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा रखी है। अब ये पूरा बाजार का गेम सरकार के हाथों में है। अगर सरकार स्टॉक लिमिट बढ़ा देती है तो आने वाले दिनों में आपको इसके भाव बढ़ते हुए नजर आएंगे। जैसा कि हमारे व्यापारी मनीष जी ने बताया कि सरकार अगर इस रोक को हटाकर ये बढ़ा देती है तो आने वाले दिनों में जो इसके भाव भी ऊपर जा सकते हैं और इससे व्यापारियों के साथ किसानों को भी फायदा है। मार्केट टाइम्स के लिए कोटा से आसिफ।